साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा सरदार अख्तर मेंगल के माबैन टेलीफोनिक राबिता हुआ है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई है। आसिफ अली जरदारी और सरदार अख्तर मेंगल के माबैन टेलीफोनिक राबिते में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई है। दोनों रहनुमाओं ने टिड्डी दल के हमलों को रोकने में नाकामी, बढ़ती हुई गुर्बत और कोरोना वायरस का मुकाबला करने में हुकूमत की मुजरिमाना गफलत पर तबादला ख्याल किया है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में सरदार अख्तर मेंगल ने साबिक सदर की सेहत के बारे में दरियाफ्त करते हुए कहा कि मुल्क को इन जैसे सियासतदानों की इन हालात में ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हुक्मरानों की गफलत के सबब सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किल वक्त में मईशत को सहारा देते हुए मुल्क, जमहूरियत और गरीबों को मजबूत किया है। सेलेक्टेड और इम्पोर्टेड कठपुतलियों ने मुल्क को मसाइल की आमाजगाह बना दिया है। हमारी जमात पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए अपना कायदाना किरदार अदा करती रहेगी।